चौकी नहीं, ये बिहार है, सुशासन बाबू का बिहार। अपने 18 साल के शासन काल का वो बिहार का स्वर्णिम इतिहास बताते हैं। उनका दावा है कि बिहार में 18 साल में सब कुछ बदल गया है। जी हाँ, आंखों पर काट का चश्मा लगा लिया जाए तो दावे में दम दिखता है, नहीं तो एक अंधा भी बिहार के विकास की इन तस्वीर को देखकर शर्मा जाए। अरे छोड़िए जनाब, सुशासन बाबू जैसे तेज तरार निजम भी इन रास्तों पर चलते हुए चार ठोकर खाकर नहीं गिरे तो इस रास्ते की तोहीन होगी। तभी तो इन रास्तों से गुजरने वाले राहगीर अपने निजाम के विकास मॉडल का गुणगान करते नहीं थकते हैं। रोड के बारे में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या हो रखा है, आने जाने में बहुत दुनिया को परेशानी हो रही है। विधायक को भी बारे इस बारे में बताया गया, वो भी सुनवाई करते हैं, और प्रशासन को भी बताया गया, मुखिया लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना कमाने के चक्कर में रहते हैं। और इसको देखिए इतना परेशानी हो रहा है, आप भी आए होंगे इस रोड से आते तो कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, तो ये तो देखने की चीज़ है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लालगंज के रसलपुर गांव की यह तस्वीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की दूसरी ग्रामीण सड़कें बहुत ही सेहतमंद हो। रोड की हालत बहुत गंभीर है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 4-5 साल से ही स्थिति बना हुआ है कि यहां कभी ऊंच नीच खाई गड्ढा किया गया है। इस पर कोई विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजकुमार शाह जो कि यहाँ के अभी प्रेजेंट में विधायक हैं। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये पटना का बेली रोड है जहां चकाचक सड़कों को रातों रात फिर से चमका दिया जाता है। यही हाल गांधी मैदान सर्कल का भी है। पटना के सभी मुख्य सड़कों को दोबारा रातों रात फिर चमकाया जा रहा है, जबकि पहले भी इनसे सड़कों पर एक गधा भी नहीं था। पहले से ही चकाचक सड़कों को बार बार बनाया जाते हैं, लेकिन जो सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सच में बिहार का वर्तमान निजम काके रिटर्न है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जिसके विकास का क्या मॉडल अपनाया जाए ये भी आज तक पता नहीं चला है।